और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सेब काश्तकारों को टेलीस्कोपिक पेटी उपलब्ध कराने से होने वाले नुकसान का संज्ञान लेते हुए उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में आहूत बैठक के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश के यूनिवर्सल पेटी के माध्यम से सेब का विपणन किया जाए। प्रदेश में कृषि मंत्री ने कहा कि टेलीस्कोपिक पेटी देने से सेब काश्तकारों को नुकसान होने की आशंका के दृष्टिगत उन्हें अगले 10 दिन के भीतर यूनिवर्सल पेटी दी जाए, जिससे कि बागवानों की आय में वृद्धि हो। उन्होंने पेटी की डिजाइनिंग और उसमें प्रयोग होने वाली निर्माण सामग्री पर भी विशेष ध्यान दिए जाने का निर्देश दिया। वहीं कृषि मंत्री ने इस दौरान कहा कि हम किसानों की पूर्ण चिंता करते हुए उनकी आय में बढ़ोतरी के प्रयास करते हैं। मंत्री ने कहा कि यूनिवर्सल पेटी प्रदान करने के बाद से काश्तकार को प्रति पेटी लगभग 500 रूपये का अतिरिक्त लाभ आंकलित है। उन्होंने कहा कि विभागीय वार्षिक कैलेंडर भी तैयार किया जाए, जिसके माध्यम से सभी कार्य ससमय संपन्न हो सके। बैठक में लोक सेवा आयोग के माध्यम से कृषि एवं उद्यान विभागों के 637 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी करने सहित चौबटिया गार्डन के जीर्णोद्धार, आवासीय भवनों का निर्माण, संपर्क मार्ग सहित रिसर्च विंग स्थापना विषयक जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई। चर्चा के बाद कृषि मंत्री ने उद्यान विभाग के अधिकारियों को अतिशीघ्र चौबटिया गार्डन का दौरा करने के भी निर्देश दिए। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर के एसएसपी सख्त दिखे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां पर जनपद देहरादून की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर एसएसपी अजय सिंह सख्त हैं। एसएसपी के निर्देश में पुलिस ने पल्टन बाजार में व्यापक स्तर पर चलाया सत्यापन अभियान। घंटाघर, पल्टन बाजार सहित विभिन्न क्षेत्रों में अभियान यहां पर चलाया है। वहीं फड़, ठेली और दुकानों में काम करने वाले लोगों का सत्यापन किया गया है। बिना सत्यापन के 134 संदिग्ध व्यक्तियों को थाने में लाकर सत्यापन की कार्रवाई की गई है। वहीं महिलाओं और युवतियों से एसएसपी ने भी बातचीत की है, सुरक्षा के संबंध में जानकारी यहां पर लेते हुए नजर आए। और महिलाओं और युवतियों ने किसी भी प्रकार की परेशानी न आने की बात कही है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बाजारों में सादे वस्त्रों में महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती होगी। सभी दुकानदारों को बिना सत्यापन के बाहरी राज्यों के व्यक्तियों को न रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। और बिना सत्यापन के बाहरी व्यक्तियों को काम पर रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ये भी कहा गया है। और इन पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं व्यापारियों से किए पुलिस का सहयोग करने की अपील। पुलिस का सत्यापन अभियान लगातार जारी रहेगा। तो सत्यापन अभियान के तहत जो है एसएसपी अजय सिंह काफी सख्त नजर आए, कानून व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर। यहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत की, महिलाओं से खुद मिले, बातचीत की और बिना सत्यापन लोगों को काम पर न रखने की सख्त हिदायत देते हुए नजर आए। जिनका निर्देश है कि जितने भी लोग बाहरी प्रदेशों से व्यवसाय करने के नाम पर यहाँ पर आते हैं, उसमें कुछ ऐसे संदिग्ध लोग भी होते हैं जो ज्यादा कदा ऐसी घटनाएं भी करते हैं। जैसा अभी देखा कि पल्टन बाजार में एक शॉप में एक बालिका के साथ जो है मिसबिहेव किया गया, छेड़खानी की शिकायत आई। शिकायत पर पब्लिक द्वारा इसमें आक्रोश भी था और बालिका की तहरीर पर जो है मुकदमा भी दर्ज करके उस पर अरेस्ट किया गया। लेकिन जिस तरह की घटना है हार्ट ऑफ द सिटी में, तो पल्टन बाजार जहां पर मध्यम वर्गीय लोग ज्यादा आते हैं, जहां पर महिलाएं और देखा बच्चियां भी ज्यादा आती हैं, और उस तरह से जिस तरह से अनाधिकृत रूप से व्यापारी तो अपना व्यापार तो कर रहे हैं, लेकिन अनाधिकृत रूप से बाहर के प्रदेशों से आकर यहां पर ठेली फेरी या ऐसे रिंग लगाकर खड़े हो जाते हैं। और इस तरह की शिकायतें होना लाजमी है कि कहीं कोई अश्लील इशारे, हरकत या वर्बल भी कभी कभी चांसेस रहता है, क्योंकि उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता। तो इस घटना को देखते हुए संवेदनशील होते हुए हमने ये डिसाइड किया कि पल्टन बाजार में रेगुलर जो है पुलिस ऐसे जो लोग हैं जो व्यापारी के रूप में वहां पर आगे बाहर से आकर यहां पर फट ठेली या कोई छोटे छोटे बाहर अतिक्रमण करके लगा रहे हैं, और इसके बाद वो कोई ऐसी घटना कर ले तो उनकी कोई पहचान नहीं होती है। कि कम से कम बाजार में इस तरह की अराजकता का जो माहौल बन जाता है, इतने ज्यादा संख्या में लोग व्यापार करने के लिए आ जाते हैं लेकिन उनका कोई वेयर अबाउट और अता पता नहीं है। तो जो निर्देश प्राप्त हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के, वो सिर्फ पल्टन बाजार के लिए नहीं है, अन्य ऐसे स्थानों के लिए भी है जहां पर अनाधिकृत रूप से लोग आके व्यापार के नाम पर यहां रुक रहे हैं या कहीं ना कहीं बस्तियों में बस जा रहे हैं, तो वो ड्राइव भी निरंतर हमने चालू कर। और वर्तमान में गिद्धों की प्रजाति विलुप्ति की ओर है।
अब तक पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में यानी बनने में गिद्धों का बड़ा अहम रोल रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के मुताबिक समूचे भारतवर्ष में पाए जाने वाले 9 गिद्ध की प्रजातियों में से 8 गिद्ध की प्रजातियां कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ही पाई जाती हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के एक्सपर्ट गिद्धों के खत्म होने के पीछे जो है डाइक्लोफेनिक नाम की एक दवा को सबसे बड़ा जिम्मेदार मानते हैं, जो पशुओं को दी जाने वाली सस्ती पेन किलर थी। इस दवा को खाने वाले मृत मवेशी जब गिद्ध खाते थे तो उनकी किडनी पर डाइक्लोफेनिक का बुरा असर पड़ता, जिससे कि उनकी मौत हो जाती थी। हालांकि बाद में डाइक्लोफेनिक जो है इस पर रोक लगा दी गई डाइक्लोफेनिक पर, और सामान्यतया गिद्धों पर भोजन मृत जीव जंतु है गिद्धों का भोजन। गिद्धों के पेट में विशेष प्रकार का एसिड पाया जाता है, जिससे कि इनका आहार सरलता से पच जाता है, जो पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने और शवों को जल्दी एवं कुशलता से खाकर रोगों के प्रसार को रोकने और महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जागरूकता अभियान से लोगों में जागरूकता पैदा कर रहा है ये, और ताकि शेष गिद्ध जो है उनको बचाया जा सके। हर साल सितंबर महीने में जागरूकता अभियान चलाया जाता है, जिससे स्कूल कॉलेज गांव में लोग इनकी महत्ता को समझ सकते हैं। जैसा कि साइंटिफिक रिसर्च में पता चला है, डाइक्लोफेनेक नाम का एक रसायन होता है जिसका इस्तेमाल इंसानों के द्वारा किया जाता था। उसको जो शव हैं उनको फिर गिद्ध खाते थे, तो जिसके खातिर गिद्धों का लीवर डैमेज होने की संभावनाएं थी, तो इसलिए गिद्धों की जो संख्या है उसमें कमी आई है। इससे बेस्ट और फ्री में काम करने वाले सफाई कर्मी होते हैं, जो भी ऐसे सड़ी गली रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल कोई भी नहीं करता उनको गिद्ध खाते हैं, एक सफाई कर्मी भी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रामनगर से विमला अधिकारी हमारे साथ जुड़ रही हैं। विमला, ये जो अभियान चलाया जा रहा है ताकि गिद्धों की जो विलुप्त प्रजाति है उसको रोका जा सके, तो इस अभियान के तहत कैसे जागरूक किया जा रहा है, क्या मेन कारण बताए जा रहे हैं इन प्रजातियों के विलुप्त होने के? जैसे कि ज्योति जी, हम जानते हैं कि हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया है, जो हर साल इसी महीने सितंबर में मनाया जाता है। गिद्धों को बचाने के लिए जो सबसे पहले ये पहल की गई थी दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम से शुरू हुई थी, जो अब तक निरंतर जारी है। दरअसल वर्तमान में जो गिद्धों की प्रजाति है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। अब तक पर्यावरण को जो स्वच्छ बनाने का काम करते थे ये गिद्धों का उसमें एक अहम रोल था, लेकिन जैसे इनकी अब संख्या कम हो रही है तो इस पे जो है वन विभाग या कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है एक चिंता जाहिर कर रहा है, क्योंकि गिद्ध को जो है एक प्राथमिक सफाई कर्मी भी माना गया है। हमारे पूरे भारतवर्ष में 9 प्रकार की गिद्ध प्रजाति पाई जाती हैं, जिसमें से 8 प्रजातियां ही जो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पाई गई हैं। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एक्सपर्ट मानते हैं कि इनके पीछे गिद्धों की जो संख्या अब कम हो रही है धीरे धीरे, इसके पीछे जो है डाइक्लोफेनिक नाम की एक दवा है का बहुत बड़ा रोल है, जो पहले पशुओं को दी जाती थी, जो एक सस्ती पेन किलर होती थी। वो पशु जब मर जाते थे, उन मृत मवेशियों को जब गिद्ध खाते थे तो उनकी किडनी पर डाइक्लोफेनिक का बुरा असर पड़ता था, जिससे इसकी मौत हो जाती थी। हालांकि बाद में सरकार, जब ये ज्यादा इनकी विलुप्त की ओर जाने लगे, तो गवर्नमेंट ने इसे डाइक्लोफेनिक पर और ये सामान्यतः गिद्ध का भोजन जो है मृत जीव जंतु ही माने गए हैं। गिद्धों के पेट में जो है विशेष प्रकार का एसिड पाया जाता है, जिसका आहार सरलता से ये उसको जो है डाइजेस्ट कर देते थे, जो पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने और शवों को जल्दी और कुशलता से खाकर जो ये मतलब यहाँ पे रोग वगैरह इससे बढ़ते थे, महामारी टाइप की बढ़ती थी, उसको रोकने में एक अहम रोल था इनका। जी, तो आप जो है इस जागरूकता के तहत ये निश्चित किया जा रहा है कि इस तरीके की जो पेन किलर्स होती हैं डाइक्लोफेनेक से निर्मित, जो पशुओं को खिलाई जाती है, इन पर भी रोक लगाई जाए, या फिर किसी और तरीके से जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है हर साल सितंबर में जो है, वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये, हर साल सितंबर के जो फर्स्ट वीक होता है इसी में जो है स्कूल कॉलेज और गांव में लोगों को जाकर गिद्धों के बारे में उनकी विशेषता और उनके महत्व को बता रहे हैं कि ये हमारे समाज सोसाइटी के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, जो महामारी जैसी रोगों से मतलब लोगों को बचाते थे। इनको बचाना बहुत जरूरी है। अगर आपको कहीं पे इस टाइप के कोई गिद्ध वगैरह नजर आते हैं तो आप वन विभाग को सूचित कर सकते हैं, ताकि वो उनको बचाने में जो है एक पहल करें।
बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह भी कहा जा सकता है विमला की जिस चीज को हमारा समाज नकारता है, यानी मान लीजिए कोई पशु पक्षी मर गया, कोई जानवर मर गया, तो लोग उससे परहेज करते हैं, उसके पास नहीं जाना, और क्योंकि भोजन के रूप में तो इस्तेमाल किया भी नहीं जा सकता, लेकिन ये गिद्ध ही ऐसे होते हैं जो इस तरीके के वेस्टेज को खा करके अपना भरण पोषण तो करते हैं लेकिन पर्यावरण को स्वच्छ रखने में एक बड़ा अहम योगदान देते हैं। जी जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बहुत प्राथमिक सफाई कर्मी है, मतलब जो भी गंदगी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे जो है प्रदूषण ना हो और एटमॉस्फेयर जो है शुद्ध रहे, स्वच्छ रहे, लोग उसमें सांस ले सकें। जैसा कि हम वर्तमान में देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर बहुत हानिकारक हो गया लोगों का सांस लेना, या फिर स्वास्थ्य के तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे इस समाज को मतलब स्वस्थ बनाने में बहुत कारगर साबित होती थी। बिल्कुल। अच्छा, ये जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उन्हें बहुत गहराई से तो चीजें समझ नहीं आती हैं, लेकिन जो बच्चों की भाषा में उनको बताया जा रहा है कि उपयोगी है पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, तो कुछ मेन बातें जो बच्चे समझ सके कौन सी बताई गई है उनको? इसी के जरिए जैसे उनके बारे में बताया जाता है कि ये इनको कैसे उसको सूचनाओं के जरिए आप उनको बता सकते हैं कि जैसे उसको मतलब वो कॉर्बेट अगर शॉर्ट मूवी के जरिए उनको बताते हैं कि इनका रोल क्या होता है समाज में, इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है और इससे आप कैसे इनको बचा सकते हैं और कैसे खुद बच सकते हैं। बिल्कुल, यानी वीडियो क्लिप्स के माध्यम से, छोटी छोटी फिल्मों के माध्यम से बच्चों को दिखाया जा रहा है उनकी वीडियोस और समझाया जा रहा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद विमला आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और सरोवर नगरी नैनीताल में कुमाऊं की कुलदेवी मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों का नैना देवी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चन कर श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए 15 सितंबर तक रखा गया है। उसके बाद से मां नंदा सुनंदा का डोला नगर क्षेत्र में परिक्रमा करने के बाद से ठंडी सड़क गोलजू मंदिर के पास विसर्जित किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि चंद राजाओं के दौर में मां नंदा सुनंदा को कुलदेवी के रूप में चंद राजा पूजा करते थे और अब संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र के लोग मां नंदा सुनंदा को कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। ऐसा माना जाता है कि मां नंदा और सुनंदा साल में एक बार अपने मायके यानी कुमाऊं में आती हैं। अष्टमी के दिन कुमाऊं के विभिन्न स्थानों पर मां नंदा और सुनंदा की प्रतिमा तैयार कर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से दर्शन के लिए उन्हें रखा जाता है। मां नंदा सुनंदा की हर रोज सुबह शाम पूजा अर्चना की जाती है जबकि देर रात को देवी भोग लगाया जाता है। इस दौरान हजारों की संख्या में सुबह से ही श्रद्धालुओं का जो है मंदिरों में तांता लगा रहता है। और नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत शिवाजी नगर में सीवर लाइन बिछाने की मांग ने फिर जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। आज निवर्तमान पार्षद जयेश राणा के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने पेयजल निगम की निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई गंगा के परियोजना प्रबंधक से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा है जिसमें लोगों ने परियोजना प्रबंधक से क्षेत्र में सीवर लाइन जल्दी बिछाने की मांग की है। और आपको बता दें कि निवर्तमान पार्षद जयेश राणा और स्थानीय निवासी कृष्णा नेगी ने बताया इस मामले में कि शिवाजी नगर में सीवर लाइन बिछाने की योजना प्रस्तावित है लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं किया गया है जिसकी वजह से आईडीपीएल सिटी गेट में शिवाजी नगर और बापू ग्राम में 20 बीघा तक की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य भी रुका हुआ है। क्षतिग्रस्त सड़क की वजह से लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया है, इसलिए जल्द से जल्द सीवर लाइन बिछाने का कार्य पूरा करने की मांग की गई है जिससे कि आपको बता दें कि नगर निगम क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण भी कर सके। और शहर में आपराधिक वारदात को अंजाम देने पहुंचे दो बदमाशों को पुलिस ने आईडीपीएल के खाली पड़े खंडहर से गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से पुलिस ने 315 बोर का तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और एक बाइक भी बरामद की है। बदमाशों के पकड़े जाने से कुछ दिन पहले मीरा नगर क्षेत्र में हुई चेन स्नैचिंग का भी खुलासा हो गया है। आरोपियों से लूटी गई सोने की चेन भी बरामद की गई है। कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि आरोपियों के पहचान मोहित निवासी बरेली और कुलदीप निवासी हरदोई यूपी के रूप में हुई है जो वर्तमान में पुराने रेलवे स्टेशन के निकट किराए पर रहते हैं। बदमाशों ने पुलिस को बताया कि सोने की चेन उन्होंने कुछ दिन पहले मीरा नगर से एक युवक से लूटी थी। आज वो फिर से क्षेत्र में आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद कुमार और चौकी प्रभारी कविंद्र सजवाण की टीम ने आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है।
और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से। बाढ़ बारिश को लेकर यह खबर है, एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है बारिश को लेकर के। तो मानसून का ये दौर अभी थमा नहीं है, हालांकि मानसून अपने आखिरी दौर में है, लेकिन बारिश का अलर्ट एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, आज से 14 सितंबर तक कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बागेश्वर में भारी बारिश से बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश को लेकर के 6 जिलों में भी भारी बारिश की संभावना और ज्यादा बताई गई है, जिसमें देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में ये अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट कुल मिलाकर के बारिश का, भारी बारिश का जारी किया गया है। गर्जन के साथ ही आकाशीय बिजली चमकने की आशंका है। पहाड़ की यात्रा करने से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है लोगों से, खासकर संवेदनशील इलाकों में दिन और रात में बरतें सतर्कता। बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर सीजन की हुई पहली बर्फबारी। बद्री विशाल धाम में ठंड बढ़ गई है और कई स्थानों पर बारिश से भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मौसम विभाग की तरफ से, जहां पर लगातार अब हालांकि मानसून अपने आखिरी दौर में है, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ जगहों पर बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर सीजन की पहली बर्फबारी हो चुकी है और 6-7 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ बारिश को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। मानसून के अब आखिरी दौर की बारिश के दिन हैं, तो ऐसे में 6 जिलों में लगभग बारिश का और येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें आपको बता दें कि देहरादून शामिल है और बागेश्वर शामिल है, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, ये ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर मार्ग अभी भी बाधित है, हालांकि लगातार शासन प्रशासन मार्गों को खोलने में भी लगा हुआ है। तो एक बार फिर से बारिश का ये अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि लोगों से लगातार अपील की जा रही है संवेदनशील इलाकों में न जाएं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और दीपक नारंग संवाददाता ऋषिकेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पहला सवाल कमल जी आपसे लेना चाहूंगी, क्या कुछ हालात बने हुए हैं, बारिश का दौर अभी कितने दिन तक और रहने वाला है, अभी तक कितना नुकसान हो चुका है? हाँ बिल्कुल कहे ज्योति, लगातार बनी जाती आपकी बारिश है, पर कहीं ना कहीं अब लाश में भी ऐसा दस्तक बारिश दे रही है। तो कहीं ना कहीं लगातार हम बात करें तो अभी कल की हम बात करें, अगर केदारनाथ बात करें, वहां पर कल एकदम भूस्खलन हुआ और जिसमें से एक महिला और दो बच्चों की भी डेथ हो गई थी। और उसके बाद कहें लगातार बारिश का दौर जारी है और आज भी अलर्ट किया गया है। अगले 4-5 दिनों में भी बताया गया है कि बारिश खूब ज्यादा होने के आसार हैं। तो कुल मिला के कहें लगातार जिस हिसाब से अलर्ट आता है और उस हिसाब से हम एकदम सूचना हम कहें तो एकदम जारी कर देते हैं और लोगों को बता देते हैं कि आज ऐसे से अलर्ट है और आपने देख संभल के जाना। और हम देख रहे हैं कि लगातार अगर सुबह की बात नहीं रहती, लेकिन दोपहर बाद हम जैसे देखते हैं कि एकदम इतना घना बादल आता है और एकदम जबरदस्त ऐसी बारिश देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं इतना जबरदस्त पानी का जल भरा हो जाता है, इतनी दिक्कतें हो जाती है, कहीं ना कहीं लोगों को उससे काफी नुकसान भी हो रहा है। कुल मिला के कहें तो सबसे बड़ी बात यही है कि अब जो आगे अगर कहते हैं 6 जिलों में लगभग बारिश की संभावना लगातार बता रही है और अगले कहे तो लगातार बारिश 14 सितंबर तक बारिश लगातार बताई जा रही है। उधम सिंह, पिथौरागढ़ सभी जगह ये स्थिति बनी हुई है और बद्रीनाथ में हल्की बर्फबारी भी हुई है। मौसम भी अभी काफी चेंज हो गया और सबसे बड़ी बात है इस बारिश के कारण मौसम जो बदल रहा है, गर्म तरफ से चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं अब लोगों को भी ये कह रहे शारीरिक कष्ट भी कहीं ना कहीं पहुंच रहा है। कुछ लगातार लोगों को कहे वायरल जबरदस्त चल रहा है, लोगों को खांसी जुकाम चल रहा है, अलग लोग हर चीज से परेशान है। तो यही है कि जब मौसम चेंज होता है तो कहीं ना कहीं तो यही है कि आप गर्म सर्द का ध्यान दें, ज्यादा ठंडे पानी में अपने बच्चों की भी रात रहती है और चीजों को देखते हुए चले। तो कुल मिला के कहें अब जो मौसम परिवर्तन है ये आदमी के लिए भी कष्ट है और कहीं ना कहीं जाती जो बारिश है ये भी कहीं ना कहीं आमजन को एक तरह से नुकसान पहुंचा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर लोगों को काफी सावधान रहने की जरूरत है, जिसका अलर्ट बार बार प्रशासन भी जारी कर रहा है। दीपक भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, वहां पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं, क्या सड़कें बाधित हैं, मार्ग बाधित हैं, अगर बाधित है तो उनको खोलने का किस तरीके से प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अभी मौसम के बदलाव वाला समय आ गया। अब इसके बाद कुछ ही समय बाद ठंड शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले की जो बारिश है लोगों के लिए काफी चुनौती होता है इसके लिए।
हाँ बिल्कुल सही है, इस समय से मौसम जो है लगातार यहाँ पे जो बना हुआ है, बादल कई जगह पर है, कई जगह पर बारिश की सूचना भी है, लेकिन अभी जलभराव की जो स्थिति है वो कहीं जनपद देहरादून के आसपास के क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि जो छह जिले हैं उत्तराखंड के, देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़, यहाँ पे बारिश का जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अभी सब जगहों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी और बादल जो है वहाँ पर बने हुए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि अभी वहाँ पर तेज बारिश हो सकती है। कई इलाकों में आकाशीय बिजली चमकने की और गर्जन की भी संभावना जताई गई है। तो लोग इस समय जो मौसम बना हुआ है वो काफी जो है इस समय पर लोगों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इनमें जो है काफी गर्मी है और रात को कई इलाकों में जो है मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। तो कई इलाके ऐसे हैं पहाड़ में जहां पर रात के समय पर ठंड है और ये जो है कहीं ना कहीं बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है। इस समय कह सकते हैं कि मानसून जो अपने वापसी में है और वापसी का जो मानसून होता है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करके जाता है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश के आसपास के इलाके की, तो यहाँ पर अभी से जो बारिश हुई है बीते दिनों में और उससे जो जलभराव हुआ है, तो कहीं ना कहीं इससे जो है मच्छरों का प्रकोप बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हल्की फुल्की बारिश की वजह से पानी बहा नहीं है और पहला केस जो है डेंगू का जो है वो ऋषिकेश में भी सामने आया है, तो इसने स्वास्थ्य विभाग की चिंता को भी बढ़ा दिया है। तो प्रशासन जो है अपनी पूरी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए है कि किस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए। बागेश्वर में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है, वहां पर भी प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है और पहाड़ी इलाकों में जो सफर करने के लिए यात्रा, इस समय कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा का जो सेकंड फेज है वो शुरू होने जा रहा है, और लेकिन जिस प्रकार से मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है तो वो कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा पे जो है फिर से ब्रेक लगाता हुआ नजर आ रहा है। गंगा का जलस्तर भी यहाँ पे काफी बढ़ा हुआ है, 1 तारीख से यहाँ पे जो है गंगा में राफ्टिंग का सीजन शुरू होता है, लेकिन गंगा के बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए अभी तक यहाँ पे राफ्टिंग का सीजन शुरू नहीं हो पाया है। अभी यहाँ पे 15 तारीख से भी उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अभी समय बढ़कर के 30 सितंबर पहुंच गया है। तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड पर्यटन जो है इलाका है और यहाँ पे जब पर्यटक आता है तभी यहाँ पे जो रौनक होती है और लोगों के रोजगार यहाँ पर बढ़ते हैं, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे अभी गंगा जलस्तर बढ़ा हुआ और राफ्टिंग शुरू नहीं हुई है, तो कह सकते हैं दिल्ली NCR का जो पर्यटक यहाँ पे राफ्टिंग का लुत्फ उठाने वो भी नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट भी इससे जो है वो सूनी नजर आ रही है, बाजार मंदी के दौर से घिरा हुआ है और जब तक ये सीजन जो है बारिश का बंद नहीं होगा तब तक यहाँ पे जो है फिर से पर्यटकों की रौनक लौटेगी, ऐसा कहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो फिलहाल हमारी पूरी नजर इन सभी घटनाओं पर बनी हुई है कि कहाँ पर बारिश हो रही है, कहाँ पे क्या परेशानी आ रही है, तो जैसे ही इसमें डिटेल्स आएंगी वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल सरकार का यही कहना है कि मौसम विभाग जो अलर्ट जारी कर रहा है उसका पूर्व अनुमान लेकर के पहाड़ों पर यात्रा करें, क्योंकि अभी जो कल पहाड़ में रुद्रप्रयाग में जो है अभी एक हादसा हुआ है जहाँ पे 5 यात्रियों की मौत हुई है मलबे में दबने से और 3 यात्री जो है उसमें घायल हुए हैं, ये सब पैदल थे। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच में जो है यात्रा पर शाम 5 बजे के बाद फिलहाल अभी जो है बारिश को देखते हुए रोक लगाई गई है कि इस दौरान कोई भी यात्रा नहीं करेगा और जिन जिन जगहों पर भूस्खलन की संभावना बनी हुई है वहां पर पुलिस जो है अलर्ट है। तो कह सकते हैं कि अगर चारधाम यात्रा पर अगर लोग आ रहे हैं तो वो मौसम का पूर्वानुमान जरूर ले, सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं उसका पालन जरूर करें, क्योंकि ये बारिश जो है लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बनती हुई दिखाई दे रही है और अब से लोगों का अब कब राहत मिलेगी इसकी नजरें अब सब पर बनी हुई है। बिल्कुल दीपक, और चुनौतियां तो बनी ही हुई है लोगों के लिए भी और शासन प्रशासन के लिए भी, ज्यादातर चुनौतियां बनी हुई है जैसा कि आपने बताया कि मौसम की चुनौती तो है ही है, बीमारियों की चुनौती तो है ही है और इसी के साथ ही जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की बीमारियां इन दिनों होती है उसके लिए स्वास्थ्य विभाग की भी एक सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से बाढ़ बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। मानसून के आखिरी दौर की बारिश को लेकर के एक बार फिर से 14 सितंबर तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 6 जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है और प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है लगातार कि आप अगर पहाड़ों में आ रहे हैं तो जरूर मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखकर ही आए। संवेदनशील इलाकों में नहीं जाने को लेकर बार बार कहा जा रहा है क्योंकि संवेदनशील इलाकों में अगर लोग जाते हैं तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। गर्जन के साथ ही आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना जताई गई है। तो मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान लगा रहा है। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। क्या आप खाते पीते तो बहुत हैं पर आपकी